जो भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और उनके मिनिमम 55% मार्क्स हैं जहाँ कम से कम इसके इक्वल ग्रेड पॉइंट एवरेज है और वो पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है, ये वीडियो उनके लिए है। पर्टिकुलरली जिनका यूजीसी नेट जेआरएफ एटसेट्रा कुछ भी पास नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको पीएचडी करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को पास करना होगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उन विद्यार्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म नंबर 14 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की वेबसाइट पर जाकर ओपन कर सकते हैं। पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट। यहां पर आपको ये येलो कलर का रजिस्टर नाउ क्लिक करना होगा, जो क्लिक करने के बाद आपको ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करोगे और टर्म्स एंड कंडीशन रीड करोगे। उसके बाद यहाँ रेड जो ये ब्लॉक है रजिस्टर नाउ टू अप्लाई, यहाँ क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको फी पे करनी होगी जो कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है 1400 विदाउट लेट फीस और विद लेट फीस 2900, जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए है 2000 विदाउट लेट फीस एंड विद लेट फीस 3500। ऑनलाइन फीस फिल करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जो इसी वेब पेज पर ये सामने है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको क्लिक करने पर आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको यूजर आईडी एंटर करना होगा जो रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपके लिखा होगा। सक्सेसफुली ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप पर आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप कोई एडिट या चेंज इन्फॉर्मेशन में करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, जहां आप उसका प्रिंट निकाल के अपने प्रूफ अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, वो रख सकते हो। फोर्थ स्टेप में आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा। फिफ्थ स्टेप पर आपको चॉइसेस फिल करनी होगी अगर आपके सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है तो। सिक्स स्टेप पर आप जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको इंटरव्यू या काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए इनवाइट किया जाएगा। इंटरव्यू में आपने क्या तैयार करना है, जहां इंटरव्यू में यूजीसी की क्या गाइडलाइन है कि पीएचडी कैंडिडेट को अपीयर होने के लिए उसका कौन सी एबिलिटीज को टेस्ट करना है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। याद रहे आपका ये टेस्ट 2 साल के लिए मिनिमम वैलिड होता है। अगर आपको इस साल पीएचडी का सुपरवाइजर नहीं मिलता या यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं कर पाती तो आप नेक्स्ट ईयर भी इसी टेस्ट के रिजल्ट पर सुपरवाइजर को ढूंढ के पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हो। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में और यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो फौरन जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन और फॉर्म नंबर 14 की सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी और जानकारी पीएचडी उसके प्रोसीजर के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डिमांड डाल सकते हो। थैंक यू।